subscribe to our YouTube channel Van Fin Multibaggers and press the bell icon to see the latest updates and videos. Van Fin, discover opportunities, create wealth. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एसएमई पर हमारी खास पेशकश एसएमई कॉर्नर लेकर आ गया हूं मैं. और सबसे पहले इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर 1/4% का दबाव 1828 के लेवल्स पर हो रहा है. एसएमई में कामकाज तो मेन बोर्ड पे भी प्रेशर है, सेंटिमेंट वही, एसएमई आईपीओ मार्केट में भी आपको नजर आएंगे कमजोर, तो थोड़ा सा दबाव के साथ हो रहा है कामकाज. लेकिन कहां पे मोमेंटम है, सीएमएम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, प्रोड्यूसर्स आपको एक कंपनी पसंद आ गई है तो 5% के अपसाइड के साथ स्टॉक कामकाज करता हुआ. लेकिन बाकी के स्टॉक जो मोमेंटम पे थे वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे. और लूजर्स भी प्लीज दिखाते रहिएगा, मैं बातचीत. अच्छा, लूजर्स आई गए. मोहिनी हेल्थ एंड हाइजीन में दबाव 3.5%, सिक्को इंडस्ट्रीज 5%, वर्थ पेरिफेरल 4% और साउथ वेस्ट पिनाकल एंड एक्सप्लोरेशन 63 के लेवल पर कामकाज होता हुआ यहाँ पे 4.5% के दबाव के साथ हो रहा है इस समय कामकाज. और आज तो खैर एसएमई पिक ऑफ द वीक का समय है तो शाइना मुकादम जो मार्केट एक्सपर्ट है आगे मेरे साथ जुड़ेंगी. तो इस बीच पहले आपको मैं कैलेंडर बता देता हूँ आईपीओ का. आज से एक नए आईपीओ की शुरुआत हुई है, ये कंपनी है स्काई गोल्ड. आज खुला है 18 सितंबर को, 21 सितंबर को ये बंद होने जा रहा है. 25-26 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, 600 शेयरों का लॉट साइज, 180 रुपए पर शेयर का ऑफर प्राइस और बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये स्काई गोल्ड नाम की कंपनी इवेंचुअली लिस्ट होगी. ये कंपनी करती क्या है, मुंबई बेस्ड ये कंपनी है तो एक तो गुजरात और महाराष्ट्र ये वो स्पेसिफिक ज्योग्राफी जहाँ से ज़्यादा आईपीओज आ रहे हैं. तो मुंबई बेस्ड ये कंपनी है जो कि सोने की ज्वेलरी की डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का काम करती है. सेंट्रल सेल्स ऑफिस इसका मुंबई में है और इनफैक्ट इन्होंने अपने सेल्स ऑफिस केरला और तेलंगाना में भी खोल लिए हैं. तो ये वो आईपीओ है जो आज से खुला है. आज अहलादा इंजीनियर्स ये आईपीओ बंद होने जा रहा है. 11 सितंबर को खुला था, आज 18 सितंबर को इसकी क्लोजर डेट है. 51 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, 147 से 150 रुपीज का ऑफर प्राइस रखा गया है, 1000 शेयरों का लॉट साइज और ये कंपनी एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगी. ये कंपनी जैसे मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, हैदराबाद बेस्ड है जो कि स्टील डोर्स, विंडोज, क्लीन रूम इक्विपमेंट्स वगैरह बनाने का काम करती है. और इसके जो कस्टमर्स हैं प्राइमरली फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, फूड, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट और रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम कंपनीज हैं. एक ऑनगोइंग आईपीओ यानी कि चल रहा है बाजार में तो वो बंद होना है 21 सितंबर को. ये कंपनी है स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज. इश्यू साइज है 26 करोड़ रुपए का, 2000 शेयरों का लॉट साइज, 65 रुपए पर शेयर का ऑफर प्राइस, एनएससी के इमर्ज प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होगी. और ये जलगांव महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल और इरिगेशन कंपोनेंट्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं और इंडस्ट्रियल प्लेयर्स को तमाम कंपोनेंट्स सप्लाई करने का काम करते हैं. तो ये है आज का आईपीओ कैलेंडर आपके लिए. और मार्केट एक्सपर्ट शाइना मुकादम मेरे साथ जुड़ चुकी हैं. शाइना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून. शाइना लेकर आई हैं आपके लिए एसएमई पिक ऑफ द वीक. मैम, कौन सा स्टॉक है? लैंसर इंडस्ट्रीज के बारे में बात करती हूँ. ये कंपनी अभी रिसेंटली माइग्रेट हुई है फ्रॉम एसएमई टू मेन बोर्ड, बट इट शोज द अपॉर्चुनिटी ऐसे कंपनीज की जो छोटी कंपनीज है जो माइग्रेट करके वैल्यू क्रिएशन करती है फॉर इन द लॉन्गर टर्म फॉर इन्वेस्टर्स. दिस कंपनी, ये कंपनी के पास कंटेनर्स हैं, ये शिपिंग एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग करती है, खुद के कंटेनर्स ऑपरेट करती है और इनके पास ऑलमोस्ट 20,000 स्क्वायर मीटर्स की पनवेल में जगह है जहां पर वो कंटेनर्स को स्टोर करती है. अगर उनके नंबर्स देखें तो काफी अच्छे नंबर्स दिखाती है ये कंपनी. लास्ट कपल ऑफ इयर्स में अगर आप थोड़ा लॉन्गर टर्म देखते हैं तो ऑलमोस्ट 35-36% सीआरजी रेवेन्यू ग्रोथ है. ये क्वार्टर में भी उनका जो ग्रोथ था ऑलमोस्ट अबाउट 25% ग्रो किया हुआ है. टर्नओवर ये क्वार्टर में उन्होंने 36 करोड़ का रिपोर्ट किए. दूसरी बात है इनका जो एबिटा मार्जिन है ये भी इम्प्रूव हो रहे हैं. जो कंटेनर्स हैं उनके पास ऑलमोस्ट जो वैल्यू अगर एसेट्स का लेते हैं एट दिस टाइम ऑलमोस्ट 30 करोड़ का उनका वैल्यू फिक्स एसेट्स वैल्यू है, नेट फिक्स एसेट्स का. सो यहाँ पर जो बुक वैल्यू है इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 25 रुपीज. तो करंट जो प्राइस है उसके ऊपर से ये काफी अट्रैक्टिव होता है. दूसरी बात, अगर उनका ईपीएस भी लेते हैं
तो FY19 में EPS मेरा एस्टिमेट है ऑलमोस्ट 7 रुपीज का EPS करेंगे, 7 रुपए का. उसके ऊपर PE भी काफी अट्रैक्टिव बनता है, इट्स जस्ट अबाउट 7 times PE, 7-8 times PE. तो इस मतलब कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स और जो ग्रोथ है वो जो वैल्यू एडिशन करेंगे, इंक्रीज इन कंटेनर्स, नंबर ऑफ कंटेनर्स का जो प्लान है उसके हिसाब से ये फॉर द लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर काफी अच्छा वैल्यू पिक बनता है. ओके चाइना मैम, धन्यवाद आपको. तो SME पिक ऑफ द वीक है लैंसर कंटेनर लाइन. BSE SME प्लेटफॉर्म से ये कंपनी मेन बोर्ड पे माइग्रेट कर चुकी है मई 2018 में. ये कंपनी है जो पसंद आती है लॉजिस्टिक सेवाएं मुहैया कराने का काम. क्वार्टरली मोमेंटम स्ट्रांग और यहां से एक अट्रैक्टिव बेट हो सकता है खरीदारी करने के लिए. चलिए आज के SME कॉर्नर में इतना ही, लेकिन ब्रेक लूं उससे पहले मैंने आपको प्रॉमिस करा था हटको पे जियोजी फाइनेंशियल की क्या राय है, प्लीज स्क्रीन पर लेकर आए. मुनाफा बांधने या बेचने के मौके ढूंढने चाहिए आपको. ये स्टॉक लैकलस्टर रहा है, 60 रुपए की इशू प्राइस के अभी भी नीचे अच्छे नतीजों के बावजूद. और अब तो एक ओवरहैंग बन गया है जो हम बातचीत भी कर चुके हैं सर से, रविकांत साहब से, वो डिसइन्वेस्टमेंट का जो वो ओवरहैंग बना है, तमाम इश्यूज. तो शायद हटको में बिकवाली करने के मौके. ब्रेक ले रहा हूं इस नोट पर. आज के न्यूयॉर्क कंपनी में इतना ही, ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए आखिरी सौदा.